दिन का स्कोर 1-2 रग्बी फील्ड 103 दिन जीतने के लिए पहली गेंद डॉट बॉल बालकृष्ण के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी बालकृष्ण की। इस बड़ा मैच है, इस मैच में बालकृष्ण और प्रवीण का। ये बालकृष्ण के लिए अगली गेंद लोबो की बैट बॉल। बल्लेबाज प्रवीण से काफी सारी सभी दर्शकों को उम्मीद है कि वे इस मैच में कुछ बड़ा करेंगे। और यह बालकृष्ण का लंबा हिट 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के स्पॉट गेंद। अगली बॉल बालकृष्ण के लिए बैट बॉल। काफी अच्छा है क्योंकि मौसम भी काफी खराब हो चुका है। ये फिर से खराब, अधिक मात्रा में यहाँ पर दर्शक उपल और फाइनल। ये लोगों की बेहतरीन डिलीवरी, बहुत अच्छी डिलीवरी। देखते हैं बालकृष्ण अपनी टीम के लिए आज कितना सहयोग दे। स्लोर डिलीवरी, खराब गेंद, बैट बॉल लोगों की। ये बैट बॉल एक्स्ट्रा के लिए खेल चले बालकृष्ण के लिए। काफी अच्छी गेंद, बैटिंग करनी होगी। ये अच्छा शॉट, काफी अच्छी मारी बालकृष्ण ने। एक रन के साथ संतोष होना पड़ेगा बालकृष्ण को। और प्रवीण स्ट्राइक पर आए। प्रवीण अगली गेंदबाज बालकृष्ण की अच्छी बैटिंग 6 रन के लिए। लेग साइड में खेला संजय, सामना करेंगे बालकृष्ण। छोटे से रन अप लेके संजय चले धोनी चंद को पार करते हुए। बालकृष्ण सामना करेंगे अगली बॉल, बैट बॉल। गति गेंदबाज की गति काफी अच्छी, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी बॉल। संजय की अगली बॉल बालकृष्ण के लिए पूरी तरह से बीट किया। स्कॉट बंधु सभी बाहर चले जाए, बॉर्डर लाइन से बाहर चले जाए स्कॉट बंधु। अगली गेंद संजू की, सामने करेंगे बालकृष्ण। काफी जोरदार हिट, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बालकृष्ण को। दूसरा रन लेना चाह रहे हैं लेकिन प्रवीण स्ट्राइक अपने पास। प्रवीण इस मैच में 6 रन बनाते तो टीम को उबार सकते हैं इस घड़ी से। काफी अच्छी गेंदबाजी संजू की, बीट अपना प्रदर्शन दे रहे। इतने दूर से आई है उनका हम स्वागत करते हैं। संजू की अगली बॉल प्रवीण के लिए, जाने दिया प्रवीण ने बैट बॉल के। और स्कोर 26 बैट बॉल छक्के संजू प्रवीण को। और यह प्रवीण का लंबा छक्का, स्कॉट बंधु ध्यान दे गेंद को जीतने के लिए चाहिए। और ये आखिरी गेंद संजू की, और ये प्रवीण बीट में पूरी तरह से क्लियर बोल्ड। रघुवीर स्ट्राइक के उनका एक यूट्यूब चैनल है तो आप उस पर जाकर के देख सकते हैं मैच। हो सके तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब कर ले टीपू चले। पहली बॉल वाइड, रॉयल स्ट्राइकर बालू बालकृष्ण सामना करेंगे टीपू का। ये टीपू की अगली बॉल बहुत ही अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी उनकी। ये बालकृष्ण ने उठा दिया है 6 रन के लिए। बाउंड्री पर लंबे करके खिलाड़ी उनकी जंप बैटिंग प्ले। बैट बॉल ये अगली गेंद दीपू की बालकृष्ण के लिए। बहुत बॉल बैट बॉल फिट एक रन मत करो फिट। देखते क्या कर पाते फिट पर। क्लियर बॉल विकेट नहीं जाएगा, फिट है बालकृष्ण के ऊपर। उन्हें प्रति ओवर 3-3 छक्के लगाने हैं। और यह अच्छा हिट, गेंद फील्डर ने गेंद को गैदर कर लिया है। एक रन के साथ स्कोर। ये दीपू की अगली बॉल जोगी के लिए, जोगी ने सिंगल मोड़ सकते हैं बॉल। दीपू सामना करेंगे बालकृष्ण,
ये इनकी अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी बुट्टू के द्वारा यहाँ से करने से। अगले गेंदबाज कैच ड्रॉप कर दिया कीपर। बेहतरीन गेंदबाजी बुट्टू की। चलो चलो अब एक स्टॉप जैसे फालतू टाइमर डीके चले सामने करेंगे बाल कृष्ण का ये लंबा हिट शेरन के लिए गगर चुनी छक्का लॉन्ग ओवर में बाल कृष्ण का ये डीके की ओवर में पहला छक्का। अभी भी अगर डीके सामने करेंगे बाल कृष्ण अच्छी गेंद और अपना ही अच्छा शॉट ऑफ साइड पर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बालकृष्ण को। टीम में बेहतरीन हुए अभी भी मैच पर वापसी हो सकती है और ये शॉट लगेगा जोगी जोगी को इस बॉल पे एक लंबा हिट मारना ही होगा। लंबा हिट जैसे ही लंबा हिट मारने के लिए चार गेंद कलेक्ट कर लें मैच के बाद क्योंकि ये कैसे अभी तक मैच में ऐसा देखने को नहीं मिला। पिच में काफी स्पार्ट हो चुकी है इसकी इसकी वजह से गेंद नीचे बैठ रही है। एक गेंदबाज एक से बढ़कर एक बल्लेबाज थोड़ा जो रॉयल स्ट्राइकर बालू के लिए खिलाड़ी है थोड़ा गेंद आराम से खेले बालकृष्ण अभी तक बैट हो सकती है निश्चित रूप चाहिए 11 गेंदे 44 रन हर गेंद में एक चौका चाहिए हर गेंद पर एक चौका मारना होगा एक भी बॉल खाली नहीं जानी चाहिए और एक डेथ बॉल और 10 गेंद गेंदे 44 रन बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं दीपू माने हुए खिलाड़ी हैं टीम में एक से बढ़कर के गेंदबाज बल्लेबाज शामिल और ये लेग साइड में बॉल पे आपको इस ओवर में छक्के चाहिए हर बॉल पर छक्के चाहिए तीन बॉलें बची है दीपू की छक्के मारने के चक्कर में बालकृष्ण आउट। अब बल्लेबाज आए हैं जिन्होंने इससे पहले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत इस मैच में अपनी टीम को पहुंचाया था देखते हैं क्या कर पाते हैं हंसराज अपने समय के अच्छे बल्लेबाज और अभी भी उनकी दही बल्लेबाजी बरकरार देखते हैं दीपू के लिए दीपू का सामना कैसे करेंगे हंसराज और यह हंसराज उठाकर खेलना चाहते थे गेंद ग्राउंड के भीतर सीधा ही फील्डर के हाथों कैच आउट हैट्रिक पर दीपू दीपू की आखिरी गेंद पूरी तरह से इनका प्रदर्शन लिखा जाएगा अगर ये टीम यहाँ से विनर जाती है ये दीपू के लिए रामदेव आरडी आरडी के द्वारा जो टीम लाई गई थी उसका अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन उम्दा प्रदर्शन सभी टीमों से अब्दुल ये उठाकर खेला तो काफी अच्छी गेंद लेकिन बाइड गति है गेंद में बल्लेबाजी भी की एक छक्का मारा लोगों ने ये हिट बाउंड्री पार नहीं करी अभी गेंद ने ये डिक्कू का अच्छा स्ट्रोक आरडी बर्मन के हाथ आरडी अच्छी टोपी के साथ फील्ड में उतरे हैं उन्होंने एक बेहतरीन टीम लाई है सभी बालू बालू जितने भी बालू गांव के वासी हैं उन्होंने आरडी का काफी तारीफ किया और ये 84 की टीम सेमीफाइनल में